मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नमस्कार, मेरा उल्हास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा उल्हास यानी हमारा, आपका, हम सबका शहर उल्हासनगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, इसी से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या घट रहा है हमारे अपने शहर उल्हासनगर में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। साई पार्टी, गंगाजल फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी और टीम ओमी कालानी की संयुक्त उम्मीदवार तथा साई पार्टी की नगर सेविका श्रीमती कंचन अमर लुंड शुक्रवार को स्थायी समिति की सभापति बन गई। उन्हें पूर्ण बहुमत मिला, उन्हें 10 वोट प्राप्त हुए, जबकि शिवसेना और राकापा ने इसका बहिष्कार किया। जिलाधिकारी ने पूर्ण रूप से बहुमत देते हुए कंचन अमर लुंड को सभापति घोषित किया तथा शिवसेना राकापा के खाते में 0 वोट दर्ज किए। यानी पूर्ण रूप से बहुमत मिला, ये एक ऐतिहासिक जीत है साई पार्टी की। हमने इस बारे में बातचीत की नव निर्वाचित सभापति श्रीमती कंचन अमर लुंड से।
स्थायी समिति की सभापति बनी हूँ उसके लिए मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी, साईं पक्ष, टीम ओमी कालानी, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे ये जो कार्य हैं सब संपन्न करूँगी अच्छे से। पूरे शहर का जो भी विकास कार्य रुका हुआ है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। क्या मुख्य विकास काम रुका हुआ है? जैसे कि पानी का मुद्दा है, रोड, कॉन्क्रीट रोड है वो मैं करूँगी, गार्डन्स का मेंटेनेंस, जो भी गार्डन्स रुके हुए हैं काम वो सब करवाऊँगी जब अपेक्षा। और मेरे को एक और बात कहनी थी कि मेरे ऊपर दादाजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो आज मुझे ये पोस्ट मिली है मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर बना रहे और सब पार्टियों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। श्रीमती कंचन अमर लुंड को स्थायी समिति की सभापति बनाए जाने के बाद साईं पार्टी के अध्यक्ष श्री जीवन ईदनानी, भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष कुमार एलानी और टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष ओमी कालानी जी ने प्रेस के साथ बातचीत की। आइए सुनते हैं कि मीडिया को उन्होंने क्या कहा। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। आज आप देखेंगे कि उल्लासनगर में एक जो नया फार्मूला बनाया गया, एक नया इतिहास रचा गया, साई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और टीम ओमी कालानी तीनों ने मिलकर जो सत्ता यहाँ पे बनाई है उसका उद्देश्य लक्ष्य एक ही है कि हमें यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहर वालों को वो देनी है कैसे भी करके। ये हमने एक जो है कसम खाई है तीनों पक्षों ने कि ये शहर का विकास करेंगे, क्योंकि ये मौका बार बार हमें नहीं मिलता, काफ़ी बरसों के बाद हमें ये मौका मिला है। तो हमारा लक्ष्य विकास की ओर है, विकास करना है मूलभूत सुविधाओं में, जैसे ड्रेनेज है, पानी है और रोड्स है। पहले हमें ड्रेनेज क्लियर करनी है, उसके बाद पानी क्लियर करना है और उसके बाद रोड्स, क्योंकि अगर ड्रेनेज क्लियर नहीं होगी और पानी की समस्या होगी तो आए दिन रोड खोदते रहते हैं। तो ये दोनों करने के बाद रोड्स, ये तीनों होने के बाद ही विकास शुरू होगा सच्चे तरीके से, उसको ही विकास कहा जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य की प्राप्ति हम करेंगे। अब ये तो यार आज जो हारता है वो आरोप करते रहता है, कोई ईवीएम के ऊपर आरोप करता है, कोई कलेक्टर के ऊपर आरोप करता है, कोई कार्यकर्ता के हारने के बाद कोई कार्यकर्ता के ऊपर आरोप करता है, आरोप तो होते रहते हैं यार। शिवसेना के बहिष्कार पे आप क्या कहना? आपका क्या कहना? ये तो शिवसेना की पुरानी आदत है, जब पता होता है कि हारने वाले हैं तो भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। जिस तरह पनवेल में उनका खाता नहीं खुला है उसी तरह आज स्थायी समिति में भी उनका जीरो मत पड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, टीम ओमी कालानी और साई पक्ष ने जो मिलके यहाँ पे जो वायदे किए थे, आज 45 दिन हो गए हैं, जो प्रामिसेस किए थे हमने करके दिखाए हैं। आपने देखा होगा इस शहर में, शहर से लेके जो कॉरपोरेशन तक रोड है वो तेज़ी गति लाई, जो 15 जून तक पूरा हो जाएगा। आज आपने देखा ओला स्टेशन, जो बरसों से कभी साफ सफा न हुआ था, जो भी वहाँ पर इंक्रोचमेंट वगैरह था वो पूरा इंक्रोचमेंट हटा दिया गया। शहद स्टेशन पे जो भी इंक्रोचमेंट था वो हटा दिया गया। कल्याण अंबरनाथ रोड, एक बाजू जो नाली का काम है वो पूरा होने को आया है, दूसरी बाजू नाली का काम भी, जैसा एक बाजू का पूरा हो जाएगा दूसरे बाजू का भी चालू हो जाएगा। उसका भी हम लोग पूरा प्रयत्न करें कि जल्दी से विकास करें, जल्दी से ही करें। नया डेवलपमेंट प्लान जो आज सरकार से मंजूर करके लाए हैं वो अगले महीने तक आ जाएगा, उन्होंने कापी भी पेश की है। हमारा मुद्दा है तीनों पक्षों का मिलके, भारतीय जनता पार्टी, टीम ओमी कालानी, साई पक्ष, जो आज मेयर बन गया, डिप्टी मेयर बन गया। आपने देखा साई पक्ष का आज सरब से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी बन गए और आने वाले समय में नेक्स्ट वीक में चेयरमैन्स बन जाएंगे। हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट में अपना अपना कार्य करेंगे। इस शहर के मुद्दे पर जो हमने मैनिफेस्टो जाहिर किया था, जो भी शहर का विकास कार्य है, हम तीनों पक्ष मिल के इस शहर को तेजी गति में लाएंगे। देखिए, कचरे की समस्या आप बोलते ज़्यादा बड़ी है। देखो, कचरा 90% तो ओके है, 10% कचरे वाले को भी वार्निंग दिया गया कि जल्द से जल्द कचरा हटाया जाए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। स्थायी समिति सभापति चुनाव में जिस तरह शिवसेना और राकांपा ने बहिष्कार किया उस बारे में मीडिया ने जाना जिलाधिकारी श्री महेंद्र कल्याणकर से। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। बायकॉट करायचा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, मला जर सांगितलं असतं तरी बायकॉट करतोय का करतोय हे तर मला आधी कळालं असतं, असं काही माझ्याकडे पत्रव्यवहार झाला नाही किंवा मला कळवलं नाही।
त्यांनी तुमच्यावर आरोप केला की तुम्ही 23 ची तारीख 26 घेतली म्हणून. ते बाजार आयुक्तांचा अधिकार आहे. आयुक्तांना मी मिटिंगच्या 2 दिवस आधी कळवलेला आहे की 23 ला येऊ शकणार नाही, त्यामुळे तो विषय नाही. असं लेखी वगैरे दिलं तर त्यांचं म्हणणं असं आम्हाला कळलं नाही. मी आयुक्तांना दिलं होतं. आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास. आगामी 2 जून को है साई वसंत शाह दरबार के गादी नशीन आसरा हुजूर दरवेश साई परमानंद साहब का शुभ जन्मदिन. तो दरबार साहब की तरफ से संगत को आमंत्रित किया गया है कि इस अवसर पर रात को 9 बजे दरबार साहब में पधारें, बाबा साई के शुभ जन्मदिन की खुशियां बांटें और संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाएं. यह कार्यक्रम रात को है. वैसे सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दरबार साहब के प्रांगण में पिंपरी से एक विशेषज्ञ डॉक्टर आ रहे हैं जो हड्डियों के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जामदार मारुति. इन्होंने निसर्ग कैंप का आयोजन किया गया है जो आयुर्वेदिक कैंप है और कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, इसकी जांच की जाएगी और इलाज किया जाएगा. चवन ही नजारा चवन बाबा साईं परमानंद जुग जुग जिए चंद तारा चवन ही नजारा चवन बाबा साईं परमानंद जुग जुग जिए बाबा साईं परमानंद जुग जुग जिए साईं खिलंदो रहे सदा ही बसंदो रहे बाबा साईं परमानंद जुग जुग जिए के कन माला माल सदा खुशियों नींदो रहे दुख कटींदो रहे खुशियों नींदो रहे दुख कटींदो रहे बाबा साईं परमानंद जुग जुग जिए चंद तारा चवन ही नजारा चवन बाबा साईं परमानंद जुग जुग जिए जुग जुग जिए. आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास. श्री सत्य साईं सेवा समिति उल्हासनगर की तरफ से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पेरेंटल गाइडेंस के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसकी जानकारी दे रही हैं श्रीमती हीना शहदादपुरी. ओम श्री साईराम. श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन आने वाले सैटरडे को 27 को शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक अपने सेंटर नेहरू चौक गंगा दर्शन बिल्डिंग 2nd फ्लोर नेहरू चौक पर एक सेमिनार का आयोजन कर रही है. जो 2 घंटे का यह सेमिनार पेरेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग होते जाते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट में हम लोग पेरेंट्स उनकी ग्रोथ में कैसे उनके सहायक बन सकते हैं और उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, उनका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, ऐसी कई सारी बातें जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए उनके बीच में रुकावट बनती हैं, आइए तो मिलकर उन बातों का हम सॉल्यूशन निकालें पेरेंटिंग इस सेशन के द्वारा, जिसमें हमारे यहाँ पर बॉम्बे से मिसेस पद्मा दिवाकर, आशा जयंत और मालिनी जी आ रहे हैं. आप सभी से निवेदन है कि यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए जैसे कि कई लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. ओम साईराम. आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्हास. सिंधु नगर व्यापारी महामंडल की तरफ से हर वर्ष व्यापारी एकता दिवस का आयोजन किया जाता है. इस बार भी रीजेंसी हॉल में व्यापारियों की इस सबसे बड़ी संस्था की तरफ से व्यापारी एकता दिवस मनाया गया. आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां.
उल्हासनगर जे पहिरीं लेडी महापौर असांजी भेण मीना आगाणी हिन प्रोग्राम में आई आहे। हालांकि भाषा मूंखे कोकणो आहे पर मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त वापारी महामंडल जेको झूने में झूनी संस्था आहे, हीउ वापारी महामंडल 1978 में ठहियो। अलॻि अलॻि पार्टियुनि जा पदाधिकारी थिया पर हिन वापारी महामंडल में का बि पॉलिटिक्स कान्हे। असांजे जेके बि जे वापारी आहिनि, जेके बि पंहिंजे पॉलिटिक पार्टी हुन में रेगुलर आया आहिनि, हीअ जेका असांजी संस्था आहे उन्हनि जो हिकु ई उद्देश हूंदो आहे त वापारियुनि जो कमु करणु। या वापारियुनि जी एकता जेको आहे शहर जे वाधारे लाइ, शहर जे भले लाइ, समाज जे जेको आहे सुरक्षा लाइ तमामु ज़रूरी आहे। सॼी दुनिया में अॼु जे तारीख़ में इंफ्लेशन रेट वधी वियो आहे, महांगाई वधी वई आहे ऐं गॾोगॾु लिक्विड मनी मार्केट मां गायब आहे। तव्हां जेतिरा शख़्स हिते वेठा आहियो जेको वापारु कंदा आहियो उन्हनि मां 80% वापारियुनि जो इहो चवणु आहे त सॼो धंधो त हले थो, माल त वञे थो, माल त अचे थो, पर पैसा घटि था अचनि, आहे की न? त लिक्विड कैश मार्केट मां गायब आहे। उन लिक्विड कैश खे कीअं असां संभाले सघंदा आहियूं, कीअं पंहिंजो धंधो वापारु हलाए सघंदा आहियूं, उन लाइ भाईचारे जी ज़रूरत हूंदी आहे। भाईचारो तॾहिं थींदो आहे जॾहिं एकता जे हिकु धाॻे में ॿधजी करे हिक ॿिए सां वीचारनि जी ॾे वठि कयूं ऐं हिन तरीक़े जा प्रोग्राम आयोजित कयूं जीअं हिक ॿिए सां रू रहण करे सघूं, हिक ॿिए खे सम्झी सघूं, हिक ॿिए जे वापार खे बि सुञाणे सघूं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। उल्हासनगर की महापौर श्रीमती मीना एलानी की तरफ से टाउन हॉल में छात्रों के लिए कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न कॉलेजों के शिक्षकों ने आकर छात्रों का मार्गदर्शन किया। की जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास।
शक्तिपीठ सिद्ध पीताम्बरा पीठम के गादी नशीन स्वामी नील महाराज जी का शुभ जन्मदिन प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक खूबसूरत केक काटा गया तथा सारी संगत का मुंह मीठा करवाया गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय भवानी जय साईं शहनशाह। शक्ति कृपा आश्रम में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारे हजूरी रूप सदगुरु शहनशाह रूप बाबा साईं नील महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया। संगत ने बड़ी तादाद में आकर बाबा साईं को जन्मदिन की बधाइयां दी। बाबा साईं का गुरु पूजन किया सारे बच्चों ने सारे सेवादारियों ने। तो एक बार फिर से पूरे शहर की ओर से सारे भक्त परिवार की ओर से इस दास की ओर से जानू बाबा की ओर से मोहक बाबा की ओर से हजूरी रूप बाबा साईं नील महाराज जी को जन्मदिन की लाख लाख करोड़ करोड़ अरबों अरबों बधाइयां। जय जय भवानी जय साईं शहनशाह। आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसीलिए मेरा उल्लास की टीम आपको रूबरू कराती है किसी न किसी योग शिक्षक या विशेषज्ञ से जो आपको देते हैं स्वस्थ और फिट रहने के हेल्थ टिप्स। आइए आज जानते हैं कि पैरालिसिस यानी लकवा क्यों होता है, क्या इसके कारण हैं और क्या इसका उपचार है। आज बात करेंगे फिशल पैरालिसिस यानी कि मुंह का लकवा। जब ये बीमारी अचानक आ जावे तो उस समय इंसान का मुंह टेढ़ा हो जावे, चेहरा बिगड़ जावे, एक आँख मंद होने में तकलीफ होवे। आयुर्वेदिक के हिसाब से ये एक वायु विकार रोग है। इसका कारण क्या है कि कारण है ठंडा वातावरण में रहने से, जहाँ बहुत ठंडी है वहाँ रहने से, यहाँ ठंडी चीज़ें जिसका असर ठंडा है चीज़ें ऐसी चीज़ें खाने से भी ये रोग हो सकता है। ब्लड प्रेशर शुगर टेंशन भी इसका एक कारण है। आइए जानते हैं इनके कुछ घरेलू नुस्खे। सुबह जैसे ही आप उठें ब्रश से पहले 10 ग्राम तिल का तेल मतलब 2 स्पून हो जाता है बड़े टेबल स्पून मुंह में रख के उसको घुमाएं चबाएं, वो अंदर नहीं लेना है उसको अंदर। 10 मिनट के बाद उसको थूक के वॉश बेसिन में क्लीन करना है, बाद में ब्रश करना है। जितना भी आपका इसमें नेगेटिविटी होएगा मुंह का तकलीफ होएगा वो बहुत उसमें फ़ायदा पड़ेगा। उसके बाद में स्टीम ले सकते हैं, चाय की पत्ती स्टीम लेना भी बेहतर रहता है इसमें। स्टीम लेने के बाद में अखरोट के तेल की मालिश करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें भी। तेल के बाद में एक हेयर ड्रायर आता है उससे भी आकर हीट देंगे बहुत अच्छा है, या धूप में 10 मिनट बैठें तो भी बेहतर है। इनका कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि नारियल जो सूखा गिरी खाने से भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, च्युइंगम चबाना भी इसके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है, और गुब्बारे में हवा भरना ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। दिन में जब भी पिएं तो गर्म पानी पिएं,
और सुबह नहाएं तो भी गर्म पानी से नहाएं, ठंडी चीज़ें से दूर रहें, जो भी अभी भी खाना खाएं ऐसी चीज़ें खाएं जिसका असर गर्म हो, ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम और ओम का गूंजन बहुत अच्छा रहेगा, जैसे ओम की वाइब्रेशन मुंह में रखना है, ओम ऐसा माँ को वाइब्रेशन देना है इसमें, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। समय पे खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जो पाचन शक्ति जिसकी जल्द होवे। रात को पेट साफ के लिए तिफरा चूर्ण 4 ग्राम ले सकते हैं, उसमें भी आपको पेट साफ रहेगा, पेट साफ बीमारी माफ। खुश रहे, निरोग रहे, मेरा उल्लास, धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।